ढोकला एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है, सुपर। आप इसे देख सकते हैं चाली कितनी अच्छे से आई है, और स्पॉन्ज भी देखिए कितना स्पंजी हुआ है, एकदम जबरदस्त। हलवाई के यहाँ मिलता है ना परफेक्ट वैसे ही। ढोकला अच्छा बनने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, साइट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला, वो भी 5 मिनट में, विदाउट दही, बेकिंग पाउडर या फिर सोडा। तो सबसे पहले 1 कप चने का आटा या फिर बेसन लेके एक बोल में छान लेंगे अच्छे से। वी नीड टू सीव इट रियली वेल ताकि उसमें ये जो सारे लम्ब्स दिख रहे हैं ना वो निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1/4 टीस्पून हल्दी, हल्दी डालना ऑप्शनल है, चीनी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार आधे चम्मच। पहले ये सब चीज़ें अच्छे से घोल लें, मिक्स कर लें। इसी में जाएगा 2 चम्मच तेल, गरम किया हुआ तेल, ये गरम तेल है, ठंडा तेल नहीं है। मिक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाएंगे। सब पानी एक साथ नहीं डालना, बस अभी मैंने 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। और थोड़ा पानी इसमें, और ये बचा हुआ पूरा पानी। तो 1 कप चने का आटा है तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है। वापस इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये 5 मिनट मैंने अच्छे से बैटर फेंट लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, परफेक्ट। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, और ये एक्टिवेट करने के लिए बस 1 चम्मच ही पानी। वापस इसे मिला लेंगे। अब ये बैटर अच्छे से बनकर तैयार है। अब ये मेरे पास 5 इंच का ट्रे है तो मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, इसमें जाएगा ये बैटर। अब ये बैटर ट्रे में सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं ये स्टीम करूँगी कुकर में। तो यहाँ पर है मेरे पास कुकर, इसकी सीटी निकालना ज़रूरी है। और कुकर में मैंने पानी गरम करके लिया है। अब ये जो प्लेट आती है ना, या फिर स्टैंड कुकर के साथ, या फिर कोई भी स्टैंड, उसमें रखेंगे। उसके ऊपर जाएगा ये ट्रे या टिन, ढक्कन रख कर मीडियम हीट पर इसे स्टीम करना है 1-15 मिनट। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो चलिए, ये 15 मिनट मैंने मीडियम हीट पर अच्छे से स्टीम कर लिया है। वाव, टूथपिक डालकर देखते हैं, इट कम्स आउट क्लीन। इसका मतलब हमारा ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए, पूरा ठंडा होना चाहिए, उसी के बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ढोकला एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब अगर हम ये गर्मा गर्म खा रहे हैं तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, ढोकला जैसे जैसे ठंडा होने लगता है, ढोकला सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। तो मैं क्या करूँगी, एक कटोरे में पानी लूँगी, उसमें डालूंगी चीनी, 1 चम्मच चीनी, और बस 1/4 टीस्पून नमक, इसे मिला लेंगे। और ये सिरप हम साइड रख देते हैं।
बहुत बार लोग है ना ये सिर्फ तड़के में झोंक में डाल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, जो वो झोंक का या तड़के का क्रिस्प है या टेस्ट है वो पूरा निकल जाता है। तो मैं पहले ये सिर्फ ढोकले में डालती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर तड़का जाता है। तो ये ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। पहले एजेस लूज़ कर लेते हैं इसके। और अब इसे प्लेट में निकालें। सुपर, आप देख सकते हैं कितना स्पंजी हुआ है ये ढोकला। सबसे पहले इसे पीसेस में कट कर लेंगे। सुपर, आप इसे देख सकते हैं चाली कितनी अच्छे से आई है, और स्पॉन्ज भी देखिए कितना स्पंजी हुआ है, एकदम जबरदस्त हलवाई के यहाँ मिलता है ना, परफेक्ट वैसे ही। और हमने इसमें बिल्कुल भी बाकी कुछ नहीं डाला है, न सोडा है न दही है। अब इसमें जाएगा ये जो सिरप हमने बनाया हुआ है ये इसके ऊपर। पूरा सिरप ये ढोकला सोक कर लेगा। अब इसके ऊपर जाएगा तड़का। तो तड़के के लिए आधा चम्मच राई और उसी के साथ 1/4 टीस्पून हींग और हरी मिर्च। सुपर, और अब ये तड़का जाएगा इस ढोकले के ऊपर। वाह, बहुत बढ़िया दिख रहा है। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। वाह, तो ढोकला बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुराज रेसिपी।